तो आज है मेरे पास दो कमाल के बजट 5G स्मार्टफोन, एक तरफ Redmi 12 5G और एक Redmi 13 5G। इन दोनों ही फोन के बीच में आज की इस वीडियो का मैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखते हैं कि दोनों ही फोन के अंदर से कौन सा फोन के अंदर स्पीड ज्यादा मिलती है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। और वीडियो को फटाफट से एक लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे हमारे दोनों डिवाइसेस, लेफ्ट साइड के अंदर है Redmi 13 5G, राइट साइड के अंदर Redmi 12 5G है। बाकी इन दोनों फ़ोन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो 4 Gen 2 का प्रोसेसर दोनों के अंदर है, लेकिन एक्सेलरेटेड वर्जन आपको मिल जाएगा Redmi 13 5G के अंदर। डिस्प्ले के अंदर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर से है, क्योंकि यहाँ पर आपको 120Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो Redmi 13 के अंदर देखने को मिला है, वहीं पर आपको यहाँ पर जो है 90Hz मिलता है अपने Redmi 12 5G डिवाइस के अंदर। तो सबसे पहले करेंगे रिबूट टेस्ट, दोनों ही फ़ोन को रिबूट मोड पर डाल के देखेंगे सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पर ऑन होने वाला है। तो ये मैंने छोड़ दिया दोनों को, तो देखते हैं बूट टेस्ट के अंदर कौन सा फ़ोन हमारा आगे निकलेगा। तो सबसे पहले Redmi 13 5G हमारा यहाँ पर बूट अप होके ऑन हो जाता है। फाइनली ये भी ऑन हो गया, यानी कि आपका यहाँ पर डिफरेंस के मामले में अच्छा खासा यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा दोनों फ़ोन के अंदर। तो कुछ ऐप्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट किया है जिसका स्पीड टेस्ट कंपैरिजन हम करने वाले हैं। साथ में आपको बता दूँ दोनों यहाँ पर जियो 2 5G के ऊपर है, मतलब सेम सिम है, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क के अंदर कोई भी डिले वगैरह नहीं मिलेगा। चलो सबसे पहले ओपन करेंगे इंस्टाग्राम को, देखते हैं किस डिवाइस के अंदर सबसे पहले ओपन होगा। Redmi 13 5G के अंदर सबसे पहले यहाँ पर इंस्टाग्राम ओपन हो गया है। अब देखेंगे फेसबुक को, फिर से एक पॉइंट जाता है Redmi 13 5G के अंदर। चलो अब करेंगे प्ले स्टोर को ऑन, और प्ले स्टोर देखते हैं किस डिवाइस के अंदर ऑन होगा। फाइनली यहाँ पर भी Redmi 13 5G थोड़ा सा जल्दी ऑन होता है। अब ओपन करेंगे Amazon को, अगेन एक पॉइंट गेन कर लेता है हमारा Redmi 13 5G। पूरा पेज इसके अंदर लोड हो गया है, जबकि Redmi 12 5G में अभी तक पेज भी लोड नहीं हुआ है। तो हम बहुत ज़्यादा स्लो इस मामले के अंदर आपको देखने को मिलेगा Redmi 12 5G। लेट्स गो विथ Flipkart, अगेन फ्लिपकार्ट भी यहाँ पर Redmi 13 5G के अंदर सबसे पहले ऑन होता है, लेकिन थोड़ा डीले ना दोनों ही फ़ोन के अंदर। चलो अब सर्वे सब जैसे गेम को एक बार यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो, यहाँ पर एक पॉइंट और हमारा चल जाता है Redmi 13 5G के अंदर, जबकि और भी कुछ 10 से 12 सेकंड का डीले आपको Redmi 12 5G के अंदर देखने को मिलेगा। गेम को बैकग्राउंड के अंदर ऑन ही छोड़ देते हैं। अब सबका फेवरेट गेम BGMI को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको Redmi 13 5G थोड़ा सा आगे पॉइंट्स में निकलते हुए देखने को मिलने वाला है। तो अगर गेमिंग के बारे में स्पीड टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको Redmi 13 5G बहुत ज़्यादा आगे मिलता है, मतलब Redmi 12 5G ना बहुत ज़्यादा स्लो सा वर्क कर रहा है। देखेंगे अभी भी इसके ऊपर यही वाली स्क्रीन है, और फाइनली अब जाकर यहाँ पर जो हमारा Redmi 12 5G है वो गेम को ओपन कर पाया है। सो लेट्स गो विथ Spotify। Spotify का पॉइंट भी चले जाता है Redmi 13 5G के अंदर। Redmi 12 5G में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है हर एक ऐप को लोड करने के अंदर। अब देखते हैं Twitter, ये ऐप भी सबसे पहले Redmi 13 5G के ऑन हुआ, और Redmi 12 5G में लिटरली बहुत ज़्यादा सेकेंड्स का डीले है। अब ट्राई करेंगे YouTube को, जिसके ऊपर ये वीडियो भी अपलोड होने वाली है, उसको टेस्ट करना बनता ही है। यहाँ पर भी पूरी जो वीडियो थी ना वो हमारी लोड हो चुकी थी Redmi 13 5G के अंदर। लेट्स गो विद Chrome, सो या क्रोम भी यहाँ पर Redmi 13 5G के ऊपर पॉइंट चल जाता है। अब देखो अब काइनमास्टर का सबसे पहले मैं जो ओपन करने का स्पीड टेस्ट करेंगे तो ये भी Redmi 13 5G के अंदर ओपन हो जाता है। तो दोनों फ़ोन के अंदर मैंने सेम वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, और दोनों ही फ़ोन के अंदर मैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ 720p 60fps, जो कि दोनों ही फ़ोन की मैक्सिमम क्वालिटी पे हमको देखने को मिलता है। तो दोनों के अंदर स्किप बटन एक साथ क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं दोनों ही फ़ोन के अंदर सबसे पहले कौन जो है यहाँ पर वीडियो को रेंडर कर लेगा। तो दोनों फ़ोन में वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जो टाइम है ना उसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, मतलब एकदम 1 से 2 सेकंड का यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिला। अभी भी एक लास्ट स्टेप बचा है जो कि है Antutu बेंचमार्क। देखते हैं सबसे पहले किस डिवाइस के अंदर ऐप ओपन होगी, सबसे पहले Redmi 13 5G के अंदर। अभी अगर बात करें जाए Antutu स्कोर की, तो देखो दोनों ही Antutu स्कोर लगभग आपको सेम से मिलेंगे। इनफैक्ट Redmi 12 5G के अंदर कुछ थोड़े से पॉइंट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे Redmi 13 5G से। तो ये सीनारियोस बहुत ज़्यादा उल्टे हैं Antutu बेंचमार्किंग के अंदर, लेकिन जो क्लियर विनर हमारा रहने वाला है वो है Redmi 13 5G, क्योंकि हाँ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको स्मूथ सी मिल जाएगी अपने Redmi 13 5G के अंदर, जबकि पुराने डिवाइस Redmi 12 5G में थोड़ी सी स्लो मिलती है।
तो विनर ऑब्वियसली Redmi 13 5G होने वाला है, क्योंकि Redmi 12 5G की जो स्पीड है वो हमें बहुत ज्यादा कम मिलती है Redmi 13 5G से। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक करो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियो हमारे फ्यूचर में मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।